मेरा नाम हकीम आहिद हुसैन और मैं पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था का अध्यक्ष हूँ। और आज हमारे पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था के पदाधिकारी सूफी जाकिर मियाँ साहब, ताहिर अली साहब, यूसुफ खान साहब, नबी रजा खान साहब और मौलाना इरशाद रजा खान साहब और भी लोग थे साथ में। तो आज एक राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा था जिलाधिकारी द्वारा बरेली, और उस ज्ञापन के द्वारा हमने ये मांग की कि देश के अंदर घरेलू गैस सिलेंडर पर लगातार बढ़ोतरी की जा रही है और देशवासियों पर गैस के नाम पर महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। और जब गैस बढ़ोतरी की जाती है तो गरीब जनता को ये बताया जाता है कि बढ़ी हुई सब्सिडी आपके खाते में आएगी, जो कि खाते में नहीं आती है, और इस तरीके से जनता को ठगने का केंद्र सरकार काम कर रही है। और घरेलू गैस सिलेंडर, हमारी ये मांग है कि आज से 3 वर्ष पहले जैसे मिलता था 350 रुपये में, आज भी उसी हिसाब से मिलना चाहिए और गैस सब्सिडी सिस्टम को ख़त्म कर देना चाहिए सरकार को। इस विषय पर, इन बिंदुओं पे हमने आज राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भेजा। दूसरा बिंदु उसमें था कि उत्तर प्रदेश सरकार गरीब कन्याओं को जो पहले धन देती थी शादी अनुदान के लिए, उसके अंदर रद्दोबदल कर दिया गया है और अब सामूहिक विवाह समारोह कराती है, जो कि एक गरीब की मजाक बनाने की तरह है, क्योंकि लड़की के ससुराल पक्ष वाले सामूहिक विवाह को पसंद नहीं करते हैं। तो पैगाम इमाम हुसैन सामाजिक संस्था की ये मांग है कि जिस तरीके से पिछली बार कन्याओं को शादी के लिए अनुदान दिया जाता था, इस अब भी वही प्रक्रिया सरकार अपनाए और उन्हें शादी के लिए अनुदान उनके अकाउंट में प्रदान करें।